पब्लिक में ब्लॉग कर रहे हैं, कोई शर्म नहीं आती। एंड एज यू कैन सी अभी पीछे से कोई ऐसे पॉप करेंगे। एंड बोलो 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 तो गाइस अभी ऑलमोस्ट 9 बज गए एंड अभी तक वो रैली आई नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, बहुत थक गए हैं। 4 बजे से आके है एंड अब तक वो स्टार्ट नहीं हुआ, ऑलमोस्ट 5 घंटे हो गए। बहुत ज़्यादा गर्दी है अभी, वैसे ऑलमोस्ट 9 बज चुके हैं एंड रैली का कोई अता पता नहीं है। थके हैं हम एंड लेट्स सी क्या होता है। बट मुझे लगता है कि हमें घर जाना चाहिए, बट भूख भी लगी है, बट हम नहीं जाएंगे। एंड एज यू कैन सी अभी मेरे को पब्लिक में ब्लॉग कर रहे हैं, कोई शर्म नहीं आती। एंड एज यू कैन सी अभी पीछे से कोई ऐसे पॉप करेंगे। एंड बोलो 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 बहुत ज़्यादा गर्दी है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, मैसिव। आई थिंक सो ये नागपुर का सबसे बड़ा फेस्टिवल है और बहुत लोग दिख रहे हैं। लिटरली हम रैली के लिए 10 बजे तक से रुके हुए हैं और देखो एक बार मैसिव गर्दी देख लो, एक बार बहुत खतरनाक गर्दी है। 2 से 3 साल बाद ही होने वाला है तू, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि झांकी किस तरह से रहेगी। ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, वो छोड़ो ये खो गया था। पता है हाफ ट्यूबर हमारा जो यूट्यूबर है, मैं खो गया था, ये खो गया था, इसे ढूंढते ढूंढते कहाँ से हम कहाँ है हमारा हमें ही पता है। तो टॉक्सिक इन्फ्लुएंस ने कैसे भी करके हाफ ट्यूबर को ढूंढ लिया, तो आप दोनों को सब्सक्राइब करो देख लो। सो गाइज यहाँ पे वो एक फायर वर्क है जो पता नहीं घूमेगा या समथिंग, बट वहाँ पे बढ़िया से फायर वर्क होने वाला है। सेम उस साइड पर भी है, सो लेट्स सी। लास्ट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से शिवाजी पुतले के आसपास भगवान का रथ पहुंचा हुआ है और वहां से यहाँ आने के लिए आधा पौन घंटा लगेगा। 3 साल बाद शोभा यात्रा हो रही है तो लोगों का क्रेज है तो वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे 8:30-9 बजे आ जाती है शोभा यात्रा। आज लगभग हर साल से एक घंटा लेट आ रही है, रुक के देखना पड़ेगा तो मज़ा है। और ये राम भक्तों की भीड़ है, ये जो मज़ा है ना, यानी ये जो 3 साल बाद लोग दिल से चाह रहे कि हम एंजॉय करें पूरे राम भक्तों की। और इतने भीड़ में कहीं पे भी कुछ गड़बड़ नहीं हो रही है, ना कहीं झगड़े हो रहे हैं, ना कोई इफ्टीजिंग टाइप का कुछ हो रहा है। सब अपने इसमें बराबर चल रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। उद्धारेश्वर राम मंदिर को 100 साल हुए ये साल, अभी उनका कुछ दिन पहले दीपोत्सव हुआ था, 51,000 दिए जलाए थे उन्होंने राम झूले पे। और शोभा यात्रा को लगभग 57 ईयर्स हुए हैं, 57 ईयर्स हो गए शोभा यात्रा को शुरू होकर। बीच में 3 साल का गैप था कोविड के वजह से, क्योंकि इतनी पब्लिक रहती है कोविड में पॉसिबल नहीं था। तो ये 57 ईयर्स हो गए, 3 साल बाद में 60 ईयर्स हो जाएंगे शोभा यात्रा को। और लगभग ये साल 105 झांकियाँ है और उसमें 85 रथ है यानी झांकी टाइप में, और बाकी वॉकिंग डांस वाले हो गए या शंख दल हो गया, वैसे पता क्या है, ऐसे टोटल 105 है। इसकी लेंथ तो भी 2.5 किलोमीटर के आसपास शोभा यात्रा की लेंथ है। जो अभी यूट्यूबर है रोहित भोयर, वो तो हर एक से सवाल जवाब करते हैं, लेकिन आज मैं यूट्यूबर रोहित भोयर से सवाल जवाब करूंगा। हेलो गाइस, मुझे आप ये बताएं कि ये रामनवमी आपके लिए पहली है या दूसरी? मैं बचपन से आ रहा हूँ तो मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार का माहौल बहुत ज़्यादा बड़ा है क्योंकि ऑलमोस्ट 3 साल बाद ये हो रहा है एंड लोगों का जो रिएक्शन है, क्योंकि 9:30 बज चुके हैं एंड कोई घर नहीं गया, तो मतलब लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड है ये देखने को मिल रहा है। ऑडियंस का रिस्पॉन्स भाई अभी कैसे, व्हेन यू आर कम टू व्लॉग हियर, लोग बहुत ज़्यादा ऐसे देखते हैं। अभी पब्लिकली पहले मेरे को छाया था, अभी मुझे घंटा परखने पड़ता ऐसा कभी मेरे साथ होता नहीं है, तो अभी कुछ ऐसे थोड़ा डिफरेंट लग रहा है क्योंकि मैं कैमरा पकड़ नहीं रहा हूँ,
माइक भी नहीं पकड़ रहा हूँ, तो ये ज्यादा कंफर्टेबल है भाई। तू आते जा मेरे हर ब्लॉग में, ऐसा ही होता है जब आप टॉक्सिक इन्फ्लुएंस करके आ रहे हो ना, ऐसा ही होता है क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और अभी टाइम ऑलमोस्ट 9:30 से ज्यादा हो चुका है, फिर भी यहाँ पर इतने सारे लोग मौजूद हैं। तो अगर आपसे सवाल जवाब किया जाए तो कैसा लगेगा, आपको कैसा लग रहा है ये? मेरे पास शब्द नहीं है। अच्छा शब्द नहीं है मेरे पास। एक यूट्यूबर एक दूसरे यूट्यूबर से सवाल पूछ रहा है, तो जब एक यूट्यूबर सवाल पूछता है तो बीच में कैमरा आता है, बीच में कैमरा आता है ना, माइक आता है। ये मल्टीपर्पज एक माइक है, ये मल्टीपर्पज माइक है, ये जो यूज किया है, ये यूज कहीं और भी हो सकता है भाई। इसका शेप देख क्या पसंद, इट्स अ मल्टीपर्पज माइक। सो इट्स सोच बदलो गाइस, सोच बदलो इससे। ये सिर्फ माइक के लिए यूज होता है और किसी के लिए नहीं, देख लो। ये सिर्फ माइक है, माइक है कोई गाइस, माइक है, माइक 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 ऑडियंस सुन लो, ये सिर्फ माइक है, ये सिर्फ माइक है, कोई गलत दिमाग में मत लाओ। मेरे ऑडियंस को एक्सप्रेशन देना पड़ता है, मेरी ऑडियंस को एक्सप्रेशन देना पड़ता है, दे नीड इट, दे आर सो छोटे से बच्चे हैं वो, तो उन्हें हर चीज बताना पड़ता है। डूड आपका क्या रिएक्शन है रामनवमी में? बहुत जबरदस्त जबरदस्त एकदम। वेल गाइस, अभी फायरवर्क स्टार्ट होने वाले हैं, यहाँ पे फायरवर्क लगे हुए हैं, हमें थोड़ा सा दूर होना पड़ेगा।